क्या भारत में घट जाएंगे तेल के दाम? क्या ईरान ने भारत को दिया तेल पर बंपर ऑफर? क्या ईरान का तेल लेकर भारत अमेरिका को देगा गहरी चोट? क्या भारत को रोक पाएगा अमेरिका? क्या तेल पर ईरान भारत के साथ करेगा बड़ा खेल? दुनिया का हर देश चाहता है भारत से दोस्ती हो, भारत के साथ खड़ा हो, अब चाहे रूस हो, इजराइल हो या फिर अमेरिका, सबको चाहिए भारत से पक्की यारी, यानी मोदी के यार। और ईरान ने भी भारत के साथ दोस्ती पक्की करने की तैयारी कर दी है। दरअसल ईरान को पता है कि अमेरिका ने उस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन जिस तरह से रूस यूक्रेन जंग के बीच भारत ने रूस के साथ बंपर व्यापार किया, उसी तरह ईरान भी सोच रहा है कि भारत उसके साथ भी व्यापार करेगा, खास तौर से तेल को लेकर। ईरान ने भारत से आग्रह करते हुए बड़ा बयान दिया और कहा कि जिस तरह से रूस के मामले में अमेरिका दबाव को नजरअंदाज कर रहा है, उसी तरह उसके साथ व्यापार में भी अमेरिका प्रतिबंधों में भी परवाह ना करे और जल्दी ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रियसी से इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा भी करेंगे। ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने भारत को इस तरह से बंपर ऑफर तेल को लेकर दिया हो। इससे पहले ईरान ने भारत को तेल गैस व्यापार बढ़ाने के लिए खास ऑफर दिया था और इसके लिए भारत में जो ईरान के राजदूत थे उन्होंने भारत का दिल जीतने वाला बयान दिया था और क्या कुछ कहा था अब वो भी सुनिए। उन्होंने कहा था कि ईरान की ओर से तेल और गैस का निर्यात के लिए रुपया रियल ट्रेंड को फिर से शुरू करने की पेशकश की गई है और इसके साथ ही भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद का ऐलान भी ईरान की ओर से किया गया है। ईरान के राजदूत ने उम्मीद जताई है कि अगर दोनों देश रुपया रियाल व्यापार फिर से शुरू करते हैं तो द्विपक्षीय व्यापार 30 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। 15 से 16 सितंबर को तजिकिस्तान में होने जा रही SCO की मीटिंग के दौरान ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर इस बारे में चर्चा भी कर सकते हैं। SCO की काउंसलिंग मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के साथ चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहनवाज शरीफ भी इसमें शामिल होंगे। हाल ही में ईरान के राजदूत अली ने भारत के विदेश मंत्री SJ शंकर से मुलाकात करते हुए तेल की खरीदारी का मामला उठाया था। इससे पहले बीते जून के महीने में भी ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर ने भारत दौरे पर थे तो उन्होंने PM मोदी और विदेश मंत्री SJ शंकर से मुलाकात के दौरान भी इस मुद्दे को लेकर बातचीत की थी। दरअसल अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ईरान ने बहुत कुछ झेला, क्योंकि ईरान ही वो देश है जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता हुआ करता था, लेकिन जब से अमेरिका ने अड़ंगा डाला और ईरान पर प्रतिबंध लगाए तब से भारत को ईरान से आयात रोकना पड़ा। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत और ईरान के बीच ट्रेड सिस्टम था जहां भारतीय तेल कंपनियां स्थानीय इराकी बैंक को रुपए में भुगतान कर रहे थे और इसी रकम का इस्तेमाल ईरान के भारत के आयात में भुगतान के लिए किया जा रहा था। मतलब इसमें डॉलर के उतार चढ़ाव का कोई असर नहीं था। इसी वजह से ईरान सऊदी अरब को पीछे छोड़ भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया था। लेकिन बीच में आया अमेरिका और उसने लगा दिया ईरान पर एक के बाद एक प्रतिबंध, यानी बैन की बौछार। और फिर जब बैन को लागू कर दिया गया उसके बाद भारत ईरान व्यापार 2019 में 17 अरब डॉलर से तेजी से गिरकर चालू वित्तीय वर्ष 2 अरब डॉलर से कम हो गया। आपको क्या लगता है कि भारत को ईरान से फिर से तेल की भारी सप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आपकी जेब थोड़ी बहुत राहत झेल सकती है क्योंकि तेल के दाम कम हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।